मेरा नाम एजाज अहमद भट्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी 2016 से हमने स्टार्टिंग की मार्शल आर्ट। खुद की डिग्री मेरी ब्लैक बेल्ट थर्ड डैन है और उसके साथ साथ कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कोच लाइसेंस मेरे पास है। 2016 से हमने स्टार्ट किया कुपवारा में एक अकेडमी जिसका नाम है कुपवारा मार्शल आर्ट अकेडमी। तो उसके साथ साथ मैं कराटे एसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और वो भी यहाँ पे 2015-12 से यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो उसी का बैच ब्रांच हमने लगाया कुपवारा मार्शल आर्ट अकेडमी। उस सिलसिले में हमने 2016 से स्ट्रगल की क्योंकि पहले यहाँ लोगों को उतना स्कोप नहीं था, इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो छोटे छोटे डेमोंस्ट्रेशन हमने किए जिसके ज़रिए से अवेयरनेस हो गई और इसके साथ साथ हमने अवेयरनेस कैंपस भी किए जिसमें हमने सेल्फ डिफेंस भी करवाया और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स करवाए जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल लेवल करवाए, स्टेट लेवल के प्रोग्राम्स कैंपस करवाए, उसके साथ साथ सेमिनार्स करवाए जिसको हम बोलते हैं रेफरी सेमिनार्स, वो भी यहाँ पे करवाए। तो 2016 से शुक्र ऊपर वाले का लाख लाख आज लोगों को इसकी नॉलेज हो चुकी है कि मार्शल आर्ट क्या है। मार्शल आर्ट इसमें जब हम देखा जाएंगे तो इसमें बहुत सारे गेम्स आते हैं और जिस गेम से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ ये कराटे है, कराटे डू। ये हमारी कराटे स्पोर्ट्स काउंसिल में भी है। तो इसके साथ साथ हमारी कराटे एक स्पोर्ट्स भी इसमें खेला जाता है जिसमें हम बोलते हैं कि इसमें एक स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। तो 2016 में हमारे बच्चे उतने मेडल नहीं लाते थे, 2016 से आज लाख लाख शुक्र ऊपर वाले का इसमें से कुछ बच्चे जो स्टेट मेडलिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट मेडलिस्ट है और एज वेल एज नेशनल मेडलिस्ट है, जो आधे बच्चे नेशनल के लिए भी सिलेक्शन हो चुके हैं। तो और अभी हमारी स्ट्रगल चल रही है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आए, ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्वमेंट नहीं हो जाए क्योंकि आजकल का जो माशर है, आजकल का जो दौर है, इसमें ज़्यादातर बच्चे ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व होते हैं। तो उस सिलसिले में हमारा मोटो ज़्यादा उस पर भी रहता है कि हमारे बच्चे ज़्यादातर ज़्यादा स्पोर्ट्स में आए ताकि ये ड्रग्स से दूर रहे। तो ये भी हमारी इचूवमेंट चल रही है कि इस पर भी हमारी इस वक्त काम चल रहा है और साथ साथ में हम लाख लाख शुक्र करते हैं गवर्नमेंट से जो हमें यहाँ छोटे छोटे अवेयरनेस कैंपस करवाते हैं, जैसे कि काउंसिल हमारा यहाँ काउंसिल के जरिए हमारे डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। हम काउंसिल के भी लाख लाख शुक्र गुजार हैं जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स जिसमें हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट के लिए जाते हैं और स्टेट से लेकर इंटरनेशनल के लिए, नेशनल के लिए और इंटरनेशनल के लिए हमारे बच्चे जाते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ये कहूँगा इसमें बॉयज़ और गर्ल्स भी दोनों बॉयज़ भी खेलते हैं और गर्ल्स भी खेलती हैं। ये पर्टिकुलर एक ही के लिए नहीं है और एज कैटेगरी हमने रखी है 6-7 साल से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं इस वक्त टिल टू 17-18 ये बिलो 18 तक आ रहे हैं। तो 18 तक हमारे पास बच्चे इस वक्त हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त मेरे पास डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 300 से ऊपर बच्चे जो इस वक्त हमारे अकेडमी के साथ जुड़े हैं जिसमें आधे बच्चे नेशनल खेल के भी आए हैं। तो आधे बच्चों का नेशनल की सिलेक्शन हो चुकी है और आधे बच्चे स्टेट लेवल में है और आधे बच्चे डिस्ट्रिक्ट मेडलिस्ट भी हैं और इसमें से कुछ बच्चों का हमारा जॉब भी लग गया और कुछ बच्चे जैसे कि कुछ बच्चों ने बेनिफिट्स भी लिए जैसे कि कल इनकी एडमिशन होती है तो सपोर्ट्स कैटेगरी में उनकी एडमिशन भी हुई है। तो लाख लाख शुक्र हमें हमारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा भी पहुँचा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑल पेरेंट्स को ये अपनी तरह एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप खाली मार्शल आर्ट खेलो, मार्शल आर्ट के बगैर भी कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स के साथ जुड़ो। स्पोर्ट्स से इंसान की फिटनेस रहती है और इसके साथ साथ इसका इम्यूनिटी सिस्टम सही रहता है और इसका मेंटली सिस्टम ठीक रहता है ताकि अगर हमारा बच्चा घूमने में टाइम वेस्ट करता है उसके बदौलत अगर हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में रहे, कोई भी स्पोर्ट्स खेले, कोई भी डिसिप्लिन में जाए ताकि उसका दिमाग या खुदा न खास्ता कहीं ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व नहीं हो जाए। इसमें पेरेंटों की भी पहल है कि पेरेंटों को भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को उस स्पोर्ट्स में लगाए जो स्पोर्ट्स रिकग्नाइज्ड हो जिसमें कल बच्चे को इन फ्यूचर में फ़ायदा हो या नहीं। इंशाल्लाह विलगाम में हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांच खुलने वाला है और
उसमें हम बस जल्दी ही उसका भी हम इनॉग्रेशन करवाएंगे। तो रामाल में हम एक बहुत बड़ा एकेडमी खोलने वाले हैं रहेगी। बस मैं ये मेरी तरफ से यही मैसेज है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ आए और स्पोर्ट्स खेले। स्पोर्ट्स के साथ साथ आपका एक आपके पास एक बहुत बड़ी ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करो। यहीं तक नहीं महदूर है खाली स्पोर्ट्स, बस हम सोचते हैं कि हम आज से 5 साल, मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा कि मेरे साथ एक बच्चा है या मेरा हमसाया है, ये 15 साल खाली क्रिकेट बैट लेके कंधों पर जा रहा है और खेल रहा है, मगर इसको यहीं तक मौजूद है। ये उसमें आए, उस एकेडमी से ज्वाइन करें। बहुत सारी एकेडमीज यहाँ भी है कुपवारा में, जैसे कि क्रिकेट से एकेडमी भी है और फुटबॉल एकेडमी है या मार्शल आर्ट एकेडमी है, उनमें ज्वाइन करवाएं अपने बच्चों को, ताकि आपके बच्चे स्टेट खाली अपने गांव में ही महदूर नहीं रहे, गांवों से बाहर भी निकले खेलने के लिए। जैसे कि इंटर जोन होते हैं स्कूल की तरफ से, यूथ सपोर्ट्स की तरफ से इंटर जोन होते हैं, उनमें से अपने बच्चों को भेजें खेलने के लिए, ताकि वो अपने इलाके का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने एरिया का नाम रोशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। और इंशाल्लाह हमारा मोटू यही है कि हम 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से कुछ बच्चे जाना चाहिए, हमारा मोटो यही रहा है। 2017 से मार्शल आर्ट में हूँ और थैंक गॉड कि मुझे अजय सर मिले जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के कोच सर हैं। इन्होंने मुझे पहले डिस्ट्रिक्ट में मतलब 2017 में पहले सर ने मुझे डिस्ट्रिक्ट खिलवाया, उसके बाद मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट खेले, इंटर स्टेट खेले और हाल मैंने मतलब नेशनल में भी मेरी सिलेक्शन हो चुकी है और वो उसका रिजल्ट, उसका क्रेडिट में सारा कुछ अपने साथ, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। पहले जब मैं कराटे के साथ जुड़ा था तो मेरे घर वाले, मेरे हमसाए, मेरे गांव वाले मुझे कहते थे कि एक लफंगा है इस, मतलब ये जो गेम, जिस गेम में जा रहा है ये टोटली वेस्ट मतलब है। तो उसके साथ साथ जो ही मैं मतलब आगे गया स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में अभी जाने वाला हूँ, क्योंकि ड्यू टू कोविड हम इस साल नेशनल नहीं खेल पाए। इंशाल्लाह विद इन नो टाइम हमारा नेशनल फिर से होने वाला है, तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगी और उसका क्रेडिट हमारा सारा क्रेडिट जो है सर को जाता है। पहले हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से सिर्फ 7 स्टूडेंट्स थे, जिसमें मैं थे, हमारा और एक हमारा सीनियर था, वो रेडबुका साइड से है, उसका नाम है मिस्टर आमिर, और दूसरा था मिस्टर आमिर खजर मीर, लियाकत रसूल अब्बास, ये कुछ स्टूडेंट्स गिने चुने स्टूडेंट्स थे जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स थे। इनकी बदौलत, मतलब इन्हीं स्टूडेंट्स की बदौलत फिर हमने सर ने एडजस्ट करवाया स्कूलों में और कैंपस भी करवाए, जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस हो चुकी। और थैंक गॉड कि जितने भी मतलब हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए वो ड्रग्स से हट चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ड्रग्स में पहले इन्वॉल्व हुए थे, और जैसे जैसे सपोर्ट्स उनके सामने अवेयर सपोर्ट्स कराटे की अवेयरनेस हो गई, तो धीरे धीरे वो उस चीज़ से हटकर सपोर्ट्स कराटे में आ गए। और हाल में जब आपने देखा होगा 2018 में जो स्टेट कंपटीशन हुआ था, उसमें हमारे स्टेट के 26 मेडल्स थे, जिसमें 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी सिलेक्शन हो गई थी नेशनल के लिए, और कोविड की वजह से वो रुक पाए। और जितनी भी तारीफ हम करें उतनी कम है मिस्टर एजाज सर की, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील्ड हमें दिया। और मैं इस वक्त फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, मेरा एडमिशन बीपेड में ही हो गया इसी सपोर्ट्स कैटेगरी में, और मेरी जो फ़ी है वो मतलब मेरी वहाँ पे कॉलेज में फ़ीस थी 60,000 फॉर ईयर, और सपोर्ट्स की वजह से सिर्फ मुझे अभी 10,000 ही भरने पड़ रहे हैं, और इससे बढ़कर मुझे और क्या मिल सकता है सपोर्ट्स से। मार्शल आर्ट के रिलेटेड देखिए सर, अगर हम हमारी जो मेरे एरिया के मतलब मेरे लेवल के स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो सपोर्ट से जुड़े, यही नहीं कि वो कराटे में ही रहे, वो किसी या क्रिकेट में ही रहे, जितने भी गेम्स हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, ताकि वो ड्रग्स की तरफ ना जाए। वो मतलब जैसे आप देख रहे हो कि हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कितनी ड्रग्स हो रही है, हमारा यूथ है टोटली वो डाइवर्ट हो चुका है ड्रग्स की ओर। हमारा मैसेज हमारी तरफ से उनको यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि वो सपोर्ट्स में आए और अपने फ्यूचर को डेवलप करे और अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम रोशन करे आगे जाके।